फीचर है, बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है गूगल के द्वारा बनाया हुआ। इसके थ्रू आप दुनिया भर में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी एड्रेस पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको 0% नॉलेज है तो भी आप किसी भी एड्रेस पर पहुंच सकते हैं इसकी हेल्प से। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको इसी ऐप के 10 ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते हैं और काफ़ी हेल्पफुल फीचर्स हैं ये। तो दोस्तों लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला हिडन फीचर है वो है ऐड मल्टीपल स्टॉप्स। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इधर आपको दो स्टॉप्स मिलते हैं, एक आपका लोकेशन और एक आपको जहाँ जाना है। लेकिन अगर इसके बीच में आपको कोई और भी एक आधा स्टॉप ऐड करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना होगा, इधर 3 डॉट्स पे क्लिक करके इधर ऐड स्टॉप पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप इधर कोई भी एक अलग से कोई भी स्टॉप आप ऐड कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है दोस्तों। इससे आप अलग अलग अगर आपको कहीं स्टॉप लेना है तो उसके बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। और आपको इधर देखिए, इधर आप इसको ऐसे करके मैनेज भी कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फीचर की ओर। अगला जो हमारा फीचर है वो है मैश्योर डिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई स्पेशल पॉइंट से किसी दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट तक अगर आपको लोकेशन जान आपको डिस्टेंस जानना है तो आप इसका भी एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट है। इसमें आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको जिधर का भी अगर आपको चाहिए उधर से तो आपको सिंपली उसको थोड़े टाइम तक ऐसा पिन करके रखना होगा। फिर उसके बाद देखिए इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इधर देखिए आप इधर चले जाएंगे तो देखिए इधर आपको एक श्योर डिस्टेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इधर से देखिए आप कहीं की भी दूरी माप सकते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब फटाफट हो जाएगा ये काम आपको। देखिए आप इधर इसके देखिए इधर 1.5 किलोमीटर, 1.5 मीटर भी देखिए इधर आपको, तो इस तरीके से आप कहीं भी मतलब आप डिस्टेंस नाप सकते हैं, बहुत ही फटाफट ये तरीके से आपको बता देगा। और दोस्तों जो हमारा अगला एक फीचर है वो बहुत ही कमाल का फीचर है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि इधर मुझे होम दिखाई दे रहा है, मतलब मैंने ये स्पेसिफिक एड्रेस को अपने होम के नाम से सेव कर दिया है। तो इसी तरीके से आप भी गूगल मैप पे एक अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली इधर देखिए 3 डॉट्स पे जाना होगा, उसके बाद योर प्लेस पे जाना होगा। फिर इधर देखिए आप होम वर्क, आप अपने होम का जो भी है एड्रेस आप इधर ऐड कर सकते हैं इसमें क्लिक करके, और वर्क का जो भी एड्रेस है इधर आप ऐड कर सकते हैं क्लिक करके। तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब भी आप कहीं पे भी रहेंगे तो आपको सिंपली अगर आप होम लिखेंगे तो डायरेक्ट आपको उस लोकेशन से आपके घर तक का लोकेशन पूरा बता देगा, पूरा डिस्टेंस बता देगा, आपको एड्रेस वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह भी काफी अच्छी बात हो जाती है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि गूगल मैप को आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये फीचर्स के बारे में नहीं मालूम है, तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल मैप को आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या होता है कि आपको इधर देखिए 3 डॉट्स पे जाना होता है, फिर उसके बाद ऑफलाइन एरियाज पे जाना होता है, फिर इधर देखिए कस्टम एरिया, फिर उसके बाद डाउनलोड नाउ, फिर उसके बाद को आपको स्पेसिफिक जो भी आपको चाहिए इधर देखिए, अगर आपको ऐसे जूम इन करेंगे तो एरिया बड़ा होता जाएगा। ऐसे देखिए आपको जो भी एरिया आपको चाहिए, बहुत सारी जगह एरिया आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इधर क्या करना होगा, डाउनलोड बटन पर क्लिक करना होगा और बस डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इस स्पेसिफिक एरिया को आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। क्योंकि काफ़ी टाइम हमारे पास ऐसा होता है कि आप बाहर कहीं जब जाते हैं तो हमारे पास नेट नहीं होता है, तो आपको ये फीचर काफ़ी मदद करेगा। अगर आपने डाउनलोड करके रखा है, ऑफलाइन भी करके रखा है, तो आपको ये फीचर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों कितना अच्छा होगा अगर आप खुद का कोई एक मैप क्रिएट कर सके, मतलब आप अपने स्पेशल एरिया में किस जगह का क्या नाम रखना है, किस जगह का क्या नाम है, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से एक मैप क्रिएट कर सके तो कितना अच्छा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये आपको गूगल मैप पे के ऐप में नहीं मिलता है, आपको ये डेस्कटॉप पे या फिर आप ब्राउजर में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, अपने ईमेल आईडी से साइन इन करना होगा गूगल मैप पे, फिर उसके बाद सिंपली आपको अगर साइड में मेन्यू बटन पे जाएंगे आप तो उधर आपको क्रिएट मैप का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। तो उसके बाद आप आजू बाजू में जो भी आपको एरिया आपको लगता है तो उसका आप स्पेसिफिक नाम रख सकते हैं, स्पेसिफिक आप चीज़ रख सकते हैं, उसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों लोगों के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप खुद का एक मैप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है गूगल मैप के अंदर, जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है दोस्तों। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गली नुक्कड़ चौराहे ये सब चीज़ का नाम आपको गूगल मैप पे नहीं दिखता है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपना भी कुछ योगदान दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली इधर 3 डॉट पे जाके योर कंट्रीब्यूशन पे जाके इधर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपका जो भी प्लेस है आजू बाजू में आपके जो भी रस्ते हैं उसका नाम वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। बट दोस्तों इसके लिए आपको पॉइंट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि आप ये पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं गूगल ड्राइव वगैरह में, आप वो भी स्टोरेज भी वगैरह बाय कर सकते हैं, तो और भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं पॉइंट्स का। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है और काफ़ी अच्छा फीचर है गूगल का। दोस्तों अगर आपको कहीं पर जाना है, किसी टूर पे जाना है,
तो इसके लिए आपको ओला उबर वगैरह ये सब चीज़ें अगर आपको लगता है अगर बुक करना है तो आपको इधर शॉर्टकट एक मिल जाता है ओला उबर बुक करने का। तो आपको सिंपली इधर क्या करना है, स्क्रॉल करके आपको जिधर भी जाना है उधर सर्च कर लो, फिर उसके बाद इधर सिंपली स्क्रॉल करके अगर इधर आप देखते हैं तो आपको इधर देखिए डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाता है ओला उबर का। तो दोस्तों अगर इस पर आप क्लिक करेंगे, अगर आपके मोबाइल में ओला या फिर उबर का ऐप है तो डायरेक्टली आपको उस पर लेके चले जाएगा और आप उधर से जाके बुक कर सकते हैं डायरेक्टली। दोस्तों आजकल 3D का जमाना है तो दोस्तों हम क्यों ना कुछ भी चीज 3D में देखें, मैप वगैरह 3D में देखें। जी हाँ दोस्तों, आपको गूगल मैप पे ये भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप मैप को 3D में देख सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना होता है, अपनी दोनों फिंगर्स को ऐसे टच करके आपको सिंपली देखिए ऐसा स्वाइप करेंगे और सारे मैप्स आपको 3D में देखने मिल जाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन फीचर है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है इससे, तो काफ़ी अच्छा है, यूजफुल है दोस्तों ये। और दोस्तों अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं अगर रास्ते में अगर आपके गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया या फिर आपको कहीं नाश्ता करना है यानी कुछ भी चीज़, तो दोस्तों इसका सिंपली एक शॉर्टकट दिया है गूगल मैप में। आप सिंपली अगर इधर सर्च में क्लिक करेंगे इधर देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिधर आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, पेट्रोल पंप का मिल जाएगा, कॉफ़ी वगैरह सब पब वगैरह हर चीज़ मिल जाएगा, पार्किंग का भी इधर आप देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह। आपको सिंपली क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा और आपकी करंट लोकेशन के हिसाब से आजू बाजू में जितने भी रेस्टोरेंट रहेंगे ये सामने ला के रख देगा आपके। तो ये भी कितनी अच्छा और कितना बेहतरीन फीचर है आपके लिए जो गूगल मैप में दिया हुआ है। दोस्तों ट्रैफिक हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, तो दोस्तों इसका भी गूगल मैप ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है ट्रैफिक के लिए। तो दोस्तों अगर आप कहीं पर जाते हैं, कहीं पर अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से अगर लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं उधर जाने के लिए, तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि उसमें ट्रैफिक हैगा। तो आपको सिंपली इधर 3 डॉट पे अगर क्लिक करके अगर ऑल ट्रैफिक पे अगर क्लिक करेंगे तो इधर आपको देखिए रेड ग्रीन, तो उस हिसाब से आप मालूम कर सकते हैं कि इधर कितना ट्रैफिक है, तो उस हिसाब से आप चाहे तो अपना रूट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी हेल्पफुल फीचर है और बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि ट्रैफिक में फंसना यार बहुत बड़ा जोखिम है। तो दोस्तों ऐसा करते हो आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो बेशक एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना इसी नई नई टिप्स और ट्रिक्स लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल होती है। और दोस्तों आपका कोई सवाल या सुझाव है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, गुड डे एंड टेक केयर।